बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। प्रतीक होता है। चलिए, आपने कुछ बताया, बहुत अच्छी बात है। प्रतीक आपने बता दिया, और कोई बताए? आप लोग पढ़ चुके हैं भाई इस चैप्टर को? सिंबल नहीं पता है? इस चैप्टर को पढ़े हैं फिर भी नहीं पता है, और बता रहे हैं आप लोग क्वेश्चन आंसर भी नहीं किए हैं। बड़ी मेहनत करवाएंगे हमसे। हाँ, क्यों? कोई बात नहीं, मैं मेहनत करने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं थ्योरी करवाऊंगा, ठीक है? तो सिंबल की डिफिनेशन नहीं लिखे हो आप लोग? क्यों बेटा? आज मैं समझा देता हूँ, कल से मैं लिखवाऊंगा, ठीक है? ओके। प्रतीक मतलब किसी चीज को डेनोट करना। क्या करना? डेनोट करना आपका सिंबल कहलाता है। जैसे जैसे आपका आपको इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है, ठीक है? ये आपका सिंबल है, ठीक है? पहले स्ट्रेट जाना है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ठीक है? अगर पूरा पूरा डायरेक्ट सिंबल के अलावा लिखा जाता तो बड़ी दिक्कत होती है आपको, लेकिन अगर डायरेक्ट सिंबल के द्वारा लिख दिया गया है तो आपको आसानी हो गई, ठीक है? मीन्स केमिस्ट्री लैंग्वेज को सिंपल बनाने के लिए सिंबल का यूज किया गया। क्या किया गया? सिंबल का यूज किया गया। सबसे पहला है आपका जॉन डाल्टन। क्या है? जॉन डाल्टन। इन्होंने एक सिंबल दिया था, इनके सिंबल को देखते हैं क्या है। जॉन डाल्टन है, सबसे पहले इन्होंने ही केमिस्ट्री का सिंबल दिया। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है, पता है ना? क्यों? सबका एक सिंबल है, ये भी पता होगा। तो सबसे पहला जो सिंबल दिया था उन्होंने दिए थे जॉन जॉन डाल्टन। स्पेलिंग गलत हो गई, आप लोग बोल भी नहीं रहे। जॉन डाल्टन, ठीक है? क्या है? जॉन डाल्टन। इन्होंने कुछ सिंबल्स दिए थे, जैसे कि आपका है हाइड्रोजन, दूसरा क्या था? हीलियम, ठीक है? और क्या क्या दिया था बेटा इन्होंने? हाँ, लिथियम दिया था। और क्या दिया था? हाँ, देखिए आप लोग बुक में पेज नंबर 1 ओपन कर लीजिए, बुक में अपनी पेज नंबर 1। इन्होंने दिया है हाइड्रोजन का, दिया है कार्बन का, दिया है ऑक्सीजन का, दिया है फास्फोरस का, दिया है सल्फर का, दिया है प्लेटिनम का, दिया है, ठीक है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, पूरा नाम लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है? मैं 3 एग्जांपल आप लोगों के बीच में ले रहा हूं, आप लोग इसी से समझ जाइएगा, ठीक है बेटा? इसी से आप लोग समझ जाइएगा। इन्होंने हाइड्रोजन को जो सिंबल दिया था ऐसे दिया था, कार्बन का जो सिंबल दिया था ऐसे दिया था, ऑक्सीजन का जो सिंबल दिया था ऐसे दिया था, ठीक है? ये हैं आपके जॉन डाल्टन साहब। जॉन डाल्टन साहब ने बताया कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनका कुछ ना कुछ सिंबल दिया जाए, जिससे आपको आप लोगों को आसानी हो। पहले के लोग, बहुत सारे लोग कुछ जमाने तक यही पढ़ते थे, ठीक है? यही सिंबल पढ़ते थे, ठीक है?
लेकिन इस सिंबल में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं आ रहा था, लोगों को जितनी भी आसानी मिल जाए लोग आसान तरीका खोजते ही खोजते हैं, ठीक है। बस कुछ समय बाद, ठीक है, बहुत दिनों तक चला ऐसे, कुछ समय बाद एक केमिस्ट आए जिनका नाम था जे जे बर्जेलियस। क्या था? पहले तो ये सिंबल चला, सबसे पहला सिंबल कौन सा चल रहा था? जॉन डाल्टन का ये सिंबल। हाइड्रोजन को इससे डेनोट करते हैं, कार्बन को इससे डेनोट करते हैं, ऑक्सीजन को इससे डेनोट करते हैं, ठीक है। इन सबसे डेनोट करते हैं, तो क्या आपको ये याद करना आसान दिख रहा है? हाँ बताइए, आसान दिख रहा है बेटा? हाँ आसान नहीं है, क्योंकि अभी जब 1 8 सप्ताह लिखेंगे आप तो इतना आसान नहीं होगा। कोई कोई सिंबल ऐसे होगा, कोई सिंबल ऐसे होगा, ठीक है, कोई ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सिंबल आपके माइंड में क्या करेंगे? बम करेंगे, इधर से उधर फायर करेंगे। नहीं मैं हूं, नहीं मैं हूं, नहीं मैं हूं, मुझे बताओ, ये है इसका सिंबल, ठीक है। लेकिन सही से याद नहीं होगा। तो इसके बाद एक केमिस्ट आए थे जिनका नाम था जे जे बर्जेलियस। क्या था? क्या था बेटा? जे जे क्या था? जे जे बर्जेलियस। क्या नाम था? जे जे बर्जेलियस। क्या नाम था बेटा? जेड होगा, जे जेड होगा, जेड, जे जे बर्जेलियस, जे जे बर्जेलियस इनका नाम था। क्या नाम था? हाँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने कुछ मत लोगों के सामने रखे, ठीक है। क्या रखा? कि जितने भी आपके एलिमेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, जितने भी आपके एलिमेंट हैं, इन्होंने कहा कि इनके फर्स्ट लेटर से इनको डेनोट किया जाए, SOC, ठीक है। किस चीज से? फर्स्ट लेटर से। किससे बेटा? फर्स्ट लेटर से। तो लेट कौन आ रहा है भाई? जे जे बर्जेलियस ने कहा कि जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको डेनोट किया जाए, किससे? उनके फर्स्ट लेटर से। किससे बेटा? उनके फर्स्ट लेटर से। लेकिन आगे चल करके बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि कैल्शियम और सोडियम, ठीक है। कैल्शियम को आप डिनोट करते हैं Ca से, सोडियम को आप डिनोट करते हैं Na से, ठीक है। ये सोडियम का एक और नाम है, ठीक है, जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो नहीं, ग्रीक नहीं, सॉरी, क्या नाम है, ग्रीक ही है सर। ओके देखते हैं, ठीक है। तो उनका फर्स्ट लेटर दिया गया है यहाँ पे सोडियम के लिए। कैल्शियम के साथ कह दिया गया उनका एक लेटर और, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल ले लेते हैं, तो ये कैल्शियम हो गया। कार्बन का फर्स्ट लेटर ये था, क्योंकि पहले आ रहा था तो आपका कार्बन हो गया, ठीक है। इस तरह से जे जे बर्जेलियस के कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी भी पढ़ते हैं, और ये पूरा पूरा सबकी जानकारी में यही आ गया कि जे जे बर्जेलियस का जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है केमिस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसलिए जे जे बर्जेलियस को लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए, और इनके धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे नाम दिए, ठीक
धीरे धीरे क्या हो गया, इस समय हम लोग जानते हैं कि 118 एलिमेंट्स है जिनका सबका कोई ना कोई एक सिंबल है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे ये है ना बेटा? क्यों याद है बेटा? चलिए कोई कोई हमको 30 एलिमेंट्स नेम सुना दीजिए। 30 एलिमेंट्स नेम बिना देखे ईमानदारी के साथ सुनाइएगा। चीटिंग किए बेटा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई। पक्का? कितना कितना पूरा? क्या 118? होमवर्क बेटा आप लोग होमवर्क नहीं भेजते भाई, बड़ा कष्ट होता है हमको। कोई भी वर्क आप लोग दिया जाता है तो आप लोग करके भेजते नहीं है। हाँ, इससे बेटा क्या होता है अगर आप लोग वर्क करके। पक्का? चलिए हम इंतजार करेंगे बेटा आप लोगों की वर्क। ठीक है, आज थोड़ा लेट हो सकता है वर्क चेक होने में, तो थोड़ा आप लोग पेशेंस रखिएगा। ठीक है, बिना हम जरूर से जरूर चेक करेंगे। ठीक है, चलिए होमवर्क है आपका, लर्न एंड राइट फर्स्ट 30 एलिमेंट्स नेम। हाँ बेटा, नेम विथ एटॉमिक नंबर विथ हिज एटॉमिक नंबर एंड सिंबल। उनको उनके एटॉमिक नंबर के साथ साथ सिंबल भी उनका याद करना है और लिखना है। ठीक है, और कैसे सुनाना है अपनी अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। कैसे? ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाँ ठीक है, ऐसे आप लोग 30 तक याद करके सुनाएंगे फटाफट एक फ्लुएंसी में। अगर आप लोग बीच में अटके या गलत किए तो मैं मान जाऊंगा आप लोगों को याद नहीं है। ठीक है, सिंबल नहीं सुनाना है, पहले तो ऐसे ही सुनाना है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे आप लोगों को सुनाना है। ठीक है, 30 तक। उसके बाद आप लोगों को जब सिंबल फिर लिखना है, लिखने के बस रिकॉर्ड करके सुना दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा, वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ रिकॉर्ड करके सीधे भेज दीजिएगा 30 तक, और उनका सिंबल याद कर लीजिएगा और एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, फटाफट आपका चैप्टर जल्दी से कल एक दो दिन में फिनिश हो जाएगा। मैं क्वेश्चन आंसर लिखवाना स्टार्ट कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर मैं लिखूंगा, लिखने के बाद सीधा ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे नहीं लिखवाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके ओके बेटा, सी यू। लिख लीजिए, कल मिलते हैं। और बेटा आप कोशिश, हाँ बेटा वेलकम, आप लोग कोशिश किया करिए ना कि थोड़ा टाइम पे आया करिए। हाँ कोशिश कर लीजिए। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय बेटा, सी यू। वेलकम।